हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे भी ग्लर के कीबोर्ड में लोगो रन कराया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ढेर सारे लोगो रन कर रहे हैं, क्रिसमस, आइसक्रीम, ओम और भी बहुत सारे हैं। ऐसे 26 लोगो इस कीबोर्ड, इस डिस्प्ले के अंदर इंटर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होगा, कीबोर्ड को इंटर करना होगा। ये देख सकते हैं, ऐसे इसको इंटर नहीं करते, सबसे पहले इसका पावर निकालते हैं। पावर निकालने के बाद ये इसको आपको इसमें लगाना रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, फिर आपको इसको पावर देना होगा। जैसा कि देखिए, ग्लर का कीबोर्ड ऑन, डिस्प्ले ऑन हो चुका है। आपको फिर से उसी तरह पुराने F9, फिर इंसर्ट, फिर सब कुछ मैं आपको डिलीट करके शुरू से बताना चाह रहा हूँ। तो F1 से ब्रैकेट आता है, इसके अंदर आपको फुल स्क्रीन में चलाना, उसको आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है फुल स्क्रीन में चलाने के लिए। तो सबसे पहले आपको P प्रेस करना है, P से होता है पिक्चर। अब आपका जैसे स्वास्टिक चलाना है तो स्वास्टिक के लिए B होता है, B। फिर इस एरो की मदद से आप इसको बाहर निकलेंगे। ठीक है, फिर आप जैसे लिख दीजिए वेलकम, WELCOME, वेलकम देख सकते हैं, मैं लिख चुका हूँ। अब वेलकम के ठीक बगल में हमको चलाना है फिर एक और स्वास्टिक। तो उसके लिए फिर से F1 प्रेस करने से आपका ब्रैकेट आएगा, आप देख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर फिर P लिखना होगा और फिर B। ठीक है, P B से लिखने से आपका फिर से ब्रैकेट, फिर से स्वास्टिक आ जाएगा। फिर आप एरो की मदद से इसको बाहर निकलेंगे, फिर आप कुछ अधिक स्पेस देंगे। फिर उसके बाद आपको एक ज़रूरी बात जो सब लोग अक्सर भूल जाते हैं, आपको फिर से FZ लिखना है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट फिर FZ। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट के अंदर FZ लिखा, इसलिए लिखा जाता है ताकि दोबारा वीडियो रन करे। अगर आप ये नहीं लिखते तो वीडियो आपका रन करेगा ही नहीं। ठीक है, फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है जिससे कि आप सेकंड पेज में चले जाएँ। आप यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं। फिर F12 से आप इसको डिस्प्ले कर देंगे, शो ऑफ कर देंगे। देखिए कुछ ही देर में ये रन करके आएगा, स्वास्टिक विथ वेलकम। अगर आपको बड़ा लिखना होगा तो आप डबल F भी यूज कर सकते हैं। और भी हम मैं आपको बड़ा भी करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, F9, इंसर्ट, फिर से आपको पूरी तरीके से लिखना होगा, मैं बता रहा हूँ, पिक्स इन ब्रैकेट FF FF, फिर से निकलना होगा। फिर स्वास्टिक के लिए इस बार मैं स्वास्टिक नहीं लेता हूँ, इस बार मैं कोई मैं ओम ले लेता हूँ। ठीक है, तो ओम के लिए E होता है, तो फिर से ब्रैकेट लेना होगा, P से पिक्चर, फिर E। ठीक है, फिर उसके बाद एरो की से आप इससे बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद फिर आपको प्रेस जो आपको लिखना है, जैसे मैं वेलकम ही लिख दे रहा हूँ, WELCOME, वेलकम आप देख सकते हैं मैं लिख चुका हूँ। फिर एक स्पेस देंगे, फिर से मैं ब्रैकेट लूँगा F1 की मदद से, देख सकते हैं। फिर अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको फिर P लिखना होगा और मैंने उसका बताया था आपको E लिखना होगा, E से ओम आएगा, P E, वेरी E। ठीक है, फिर आपको FZ ज़रूर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ से अधिक स्पेस बना के बाहर निकल जाइए ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। फिर F1 प्रेस करेंगे, फिर इसके अंदर FZ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, FZ, फिर आपको इंटर कर देना है, फिर आपको F12 कर देना है। अब आपका फिर से ये रन करने लगेगा। देख सकते हैं, ये भी एक लोगो ही है, एक ओमकार है, समझ सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगो हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, पिक्चर्स का सारा, जैसे कमल है, मोबाइल है, लेंस है, डिज़ाइन है, एक्समस ट्री है, वेलकम है और भी बहुत सारे हैं। तो मैं ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ठीक है, आप देख कर उसका यूज कर सकते हैं। वीडियो समझ में आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।